गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हमें जोशीमठ में, क्योंकि कल रात को 8 बजे हम पहुँच गए थे जोशीमठ, लेकिन ड्यू टू रेन हमको कैंपिंग नहीं करना पड़ा। अंधेरा भी ज़्यादा हो गया था, कीचड़ कीचड़ भाई। जो ये लास्ट का 10 किलोमीटर वाला रूट था उसमें हमारे 2 घंटे हो गए। इतना जाम था, इतने जाम में फंसे, क्या बताऊँ, हालत डाउन थी कल की। अभी तो हम यहाँ रूम अभी चेकआउट कर रहे हैं, इसके बाद हम जाते हैं बद्रीनाथ में, देखते वहाँ क्या होता है। और मौसम आज थोड़ा बहुत बुरा है, बारिश आ नहीं रही है, तो होप आज की राइड बिना बारिश के हो। तो गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे होंगे, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो फुल ऑन प्लानिंग से आना। रूम ज़्यादा महंगे नहीं है, भीड़ कम है, और आप आराम से विजिट कर सकते हैं अगर आप चारों धाम आना चाहते हैं तो। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम आपसे आगे। मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। तो देखिए, बाइक वाइक तैयार हो चुकी है। ये अपना दोस्त, ये भी तैयार है। ये वाला रूट सीधे जाता है नीचे, ये है बाईपास, एक रूट ऊपर से भी है, लेकिन उसमें जाने में बहुत कम देते हैं। फोर व्हीलर टू व्हीलर तो चले जाते, फोर व्हीलर नहीं जाते। तो अभी गाड़ी हम नीचे करते हैं। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट, बैठते हैं गाड़ी पे और चलते हैं बद्रीनाथ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रूट देखिए और ये बड़े 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 पहाड़ देखिए, आप लोग समझ ही गए होंगे हम बद्रीनाथ वाले रूट में पहुंच चुके हैं। और जो इस बार का मुझे ये अभी तक आया हूँ मैं, 10-15 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। रोड अभी तक एक नंबर मिली है, एक नंबर। आगे का पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो एक नंबर मिली है गाइस। अभी तक तो रोड सही थी, मैं जैसे तारीफ करी रोड की, ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई। और देखिए काफ़ी मिट्टी है, और मुझे मिट्टी में प्यार से ले जाना पड़ रहा गाड़ी को, क्योंकि अपने पास ना वेट बहुत ज़्यादा है बाइक में, और एक बार स्लिप होगी तो पाओ क्या सब कुछ। हम नीचे ही चलेंगे और कीचड़ हमारे ऊपर, हम बाइक के ऊपर, पता नहीं क्या क्या रहेगा हमारे ऊपर। तो जितनी सेफ होकर चलाओ उतना ही फायदा है गाइस। तो यहाँ पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन, जो हम लोगों ने करवा दिया है। यह है गोविंद घाट का पुलिस चौकी। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत सही लगी, मत करो मस्ती, ज़िंदगी नहीं है सस्ती। बड़ा अच्छा विचार लिखा है पुलिस अध्यक्ष साहब ने, मज़ा आ गया। तो केदारनाथ में तो हमको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हमको कराना पड़ा।
ये देखिए एक ऑफ रोडिंग हमको मिल चुकी है और यहाँ से अप्रोक्स 10 किलोमीटर दिखा रहा है बद्रीनाथ बाबा के दरबार में हम फिर पहुँचेंगे। और आगे देखिए कितनी मस्त धूप निकली है ना, कल जो बारिश हो रही थी पता नहीं यहाँ हुई नहीं हुई, लेकिन आज बहुत शानदार धूप देखने के लिए मिली हमें। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन जो है बद्रीनाथ। और यहाँ व्यू देखिए, धूप निकली है लेकिन हल्का फुल्का ठंडा लग रहा है। जो लास्ट का 5-10 किलोमीटर था ना, वो रूट थोड़ी से मैं ये बोल सकता हूँ ख़राब था, काफ़ी धूल धूल हो रही थी। अच्छा है बारिश नहीं हो रही, नहीं तो कीचड़ में तो फिर कीचड़ ही हो जाते। सबके 10 रुपया? एक बाइक के 10। अच्छा, सबसे लोकल वालों से भी? लोकल कहाँ के हो गए? हम ना यहीं के कुमाऊं के हैं। कुमाऊं के यहाँ से जो समर्थक के लोग। अच्छा, नाम की साफ सफाई का करते हैं। चलो तो गाइस फाइनली हम रीच कर चुके हैं और यहाँ एंट्री करेंगे सर। ना ना एंट्री होगी, देखिए गाइस यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। और हमारी एंट्री हो चुकी है, जो यहाँ पर हर व्हीकल की एंट्री होती है। अब हम चलते हैं आगे को, धूप देखेगा इस, मज़ा आ गया धूप में तो, दिल जीत लिया 6 दिन के बाद धूप ने।